गाइज आपके लिए मैं Realme Buds T300 लेके आ गया हूँ। ये एक कमाल की कंपनी है, इनके हेडफोन्स क्या अमेजिंग किस्म के होते हैं। वैसे तो मैं ये छोटे बड्स का जो इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि इनको भी ट्राई करना चाहिए। मैंने इनके पहले दो नेक बैंड यूज़ किए हैं, एक तो बहुत पहले किया था और उसको मैंने 3 साल चलाया और उसकी क्या कमाल की साउंड क्वालिटी है। I really had amazing experience. फिर उसके बाद वो पिन टूट गया था, उसकी वायर कुछ हाथ वाथ लग के। अभी दूसरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, उनकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको अगर बताऊँ तो ये डायनामिक 12.4 mm बेस ड्राइवर के साथ आता है, जो कि अच्छा, इसका बहुत अच्छा साइज़ है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी आवाज़ की क्वालिटी मिलती है। उसके बाद इसमें 30 decibel एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है। ये एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन जो होती है वो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है, आप बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो और आपको ऐसे शांति मिलती है। वैसे तो आपको मिलेगी नहीं शांति, लेकिन इनके साथ आपको मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। उसके बाद 40 आवर इसका टोटल प्लेबैक टाइम है, क्योंकि जब आप इसके केस, क्योंकि इसके केस में चार्जिंग का सिस्टम है, बैटरी होती है, तो आप उसमें इसको चार्ज करके टोटल 1 टाइम चार्ज के बाद 40 मिनट तक प्लेबैक आप कर सकते हैं। उसके बाद 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो इफेक्ट है, ओके, आपको कंप्लीट एक ऐसे सराउंड साउंड की तरह आवाज़ आती है। उसके बाद 50 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी इस वजह से है क्योंकि ये ब्लूटूथ 5.3 यूज़ कर रही है। आई थिंक ये लेटेस्ट ब्लूटूथ है, अगर नहीं तो फिर काफ़ी एडवांस्ड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है। ये स्वेट प्रूफ भी है, ओके, IP55 इसकी रेटिंग है, और अगर थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही हो तो उससे भी आप इसको बचा सकते हैं। हम अपने मल्टी टूल से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे ये दिखते हैं कैसे। जनाब ये इसके हेडफोन्स आ गए, और ये इसका बॉक्स है जिसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने दी हैं, यूज़र गाइड है और वारंटी कार्ड है इसका, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसकी टाइप सी चार्जिंग केबल है, अगर आप देख सकें तो, और उसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दी गई हैं, 4 एक्स्ट्रा टिप्स हैं और 2 इसके पास ऑलरेडी होती हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे मेरा कैमरा फोकस करे, बहुत ही स्लो फोकस कर रहा है, तो ये इसके फर्स्ट लुक है। इसकी बैक साइड भी आपको दिखा देता हूँ, और ये मेरे कानों में ऐसे, और ये काफ़ी ऑलरेडी जो है ना ऑन भी नहीं है, और ये नॉइस कैंसिलेशन उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, नॉइस आइसोलेशन स्टार्ट किया, कैंसिलेशन इसके बाद होगी। बहुत ही ज़्यादा ये एक प्रीमियम लुक दे रही है, बहुत ही अच्छी इसकी फिनिश है, और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी और इसकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम पेयरिंग आपको जो है वो करनी पड़ेगी, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको ओपन करेंगे या निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हेडफोन जो हैं वो साथ में स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों हेडफोन। यार कमाल की नॉइस आइसोलेशन इन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा जो एसी का शोर वगैरह है वो बिल्कुल नहीं आ रहा, और ये भी जो है वो बीप कर रहे हैं कि ये पेयरिंग के लिए रेडी हैं, तो इनको मैं भी पेयर करूँगा और इनको मैं यूज़ करूँगा, फिर आपको मैं एक डिटेल रिव्यू बताऊँगा कि कैसी फीलिंग। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।